अब हम लोग हैं पार्ट बी पर। तो देखिए पार्ट बी में क्या रहा है, जब समान विकृति उत्पन्न हो। जी हाँ, तो क्वेश्चन अतिरिक्त अभ्यास का 18वां क्वेश्चन, ठोसों के यांत्रिक गुण। सब्सक्राइब कीजिए उम्मीदों का प्रभात चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो यहाँ पर जो है, जब समान विकृति उत्पन्न हो, तो देखिए यहाँ पर जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। ये आपने अक्सर देखा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर प्रतिबल बटा विकृति। तो यहाँ पे चूंकि हमारा विकृति दिया हुआ है, इसलिए हमें विकृति के पदों में अगर हम इसको बदले तो ये विकृति ऊपर आ जाएगा और वाई कहाँ चला जाएगा, नीचे। और प्रतिबल बराबर एफ बटा बल बटा क्षेत्रफल आप जानते हो, तो यहाँ एफ बाई ए लिखा गया, ये ए नीचे चला आएगा। तो बी के समान विकृतियों के लिए, ए व बी के समान विकृतियों के लिए, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो है बल हमने यफ वन माना है। तो देखिए अगर हम तार ए की बात करें, चलिए यहां से लिखते हैं, अगर हम तार ए की बात करें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, फिर बाद में इसको रेस कर देंगे। तो देखिए अगर हम तार ए की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर होगा एफ वन बटा ए वन वाई ए। जैसे देखिए देखिए यहाँ पे हमने लिखा है एफ वन इस पर है, इसका अनुप्रस्थ काट ए है, इसका जो ये है। अच्छा दूसरे अगर बी के लिए बात करें तो यहाँ एफ टू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ए टू और यहाँ हो जाएगा वाई बी। देखिए और कह रहा है समान, क्वेश्चन में कह रहा है समान हो, इसलिए हम ये दीवार हटा करके इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो यहां से जो हमें मिलेगा जो संबंध एफ वन एफ टू का, तो हम फिर से एफ वन एफ टू बल बल एक तरफ कर लेंगे, जो इसका जो टर्म आया है वो एक तरफ करेंगे। तो इस तरह से हमारा ए वन वाई ए बाई ए टू वाई बी इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया थर्ड। अब आप कहोगे थर्ड कैसे आ गया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने पहले ही बना लिया है। पुनः समीकरण दो से, तो फिर से हम समीकरण दो को यूज करेंगे। समीकरण दो हमारा जो आया था आप जानते हो क्या आया था, एफ वन बटा एफ टू बराबर 1.05 माइनस एक्स बाई एक्स। जी हाँ आपको याद होगा ये आया हुआ था, ये है हमारा समीकरण नंबर दो। अब देखिए यहाँ फिर से हम वही चीज करेंगे, हम इसको इसके जो है एफ वन एफ टू, ये देखिए दोनों पर जो बल है वो हर स्थिति में बराबर होंगे, इस कंडीशन में भी, तो बायां बाएं के बराबर तो दायां दाएं के बराबर होगा होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे समीकरण दो व तीन से, समीकरण दो व तीन से, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके बराबर ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ए वन वाई ए बाई ए टू वाई बी इक्वल टू 1.05 माइनस एक्स बाई एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें चूंकि एक्स का मान निकालना है, चूंकि x का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये x का पूरा इसमें कर रहे हैं और ये पूरा इधर हम कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ए वन वाई ए एक्स बराबर 1.05 माइनस यक्स, और ये जो हो जाएगा ये इसके पीछे चला जाएगा, इसके बाद इसका इसमें भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए वाई ए एक्स, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा तो ये इधर जब हम ले आएंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू वाई बी एक्स बराबर 1.05, चूंकि इसका इसमें गुणा होगा माइनस होगा, ये इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा। आप देखिए सिंपल है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम यक्स कॉमन ले लेंगे, और जब हम यक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हमारा ये यक्स बराबर फाइनली आएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यक्स है, यहाँ पे भी यक्स है, आप सिंपली इसको कॉमन भी ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए जब हम यक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो हमारा फाइनल आ रहा है, यहाँ से लिखते हैं क्योंकि और हम लोगों को मान रखना है, एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1.05 ए टू वाई बी बाई ए वन वाई ए प्लस ए टू वाई बी।
अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे इसके सारे वैल्यू, तो देखिए 1.05 a a2 की जगह a2 का मान रखेंगे a2 2×10⁻¹ और y b जो है ये है देखिए y b 70×10⁹ इसके बाद जो नीचे वैल्यूज हैं वो ए वन के हैं, ए वन तो यहाँ वन है तो सिंपली हम 10⁻¹ ही रख देते हैं यहाँ पे, और इनटू में हम रख देते हैं वाई ए का वैल्यू है 200×10⁹ और प्लस ए टू, ए टू का वैल्यू यही 2×10⁻¹ और यहाँ पे जो इसके वैल्यू है उसको रख दे रहे हैं, तो ये वाई बी के वैल्यू हो गया, ए टू का वैल्यू सॉरी ए टू का वैल्यू हो गया, वाई बी के वैल्यू है 70×10⁹ इसके बाद क्या हो जाएगा, मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करने पर यहाँ पे मैंने कर दिया है और यहाँ पे आया है ये 147 पूरा पूरा आ गया है, तो ये 147 हो गया। इसके बाद देखिए 10⁹ में से जब 6 जाएगा तो यहाँ बचेगा 10³। इसके बाद अगर हम नीचे देखें तो देखिए यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ भी 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 200 बच रहा है, तो ये देखिए हम सिंपली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 140 और इसके बाद जो है 10³। तो देखिए ये सी ये कट जा रहा है और सिंपली जो हमारा जो यक्स का वैल्यू जो सीधा सीधा बच रहा है वो है 147 और यहाँ पे हो जाएगा 340, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए भाग दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ये 147 में जब 340 का भाग देंगे 0.0 बढ़ाकर यहाँ 0 बढ़ाकर 4 बार, इस बार 3 बार जा सकता है, तो यहाँ सिंपली जो हमारा इसका वैल्यू आएगा 0.43 meters। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि तार ए से ये जो दूरी है और समान विकृति के केस में ये इतना ही आपका ये हो जाएगा उत्तर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।